बिस्मिल्लाब्राहिम अस्सलामुअलैकुम आई एम मोहम्मद वसीम साकेब केमिस्ट्री टीचर बेटा आज हमने एम डी कैट का ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर एट डिस्कस करना है तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हेलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर एसन रिएक्शन पहली ऑप्शन है मिथाइल फ्लोराइड दूसरी ऑप्शन है मिथाइल ब्रोमाइड तीसरी ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड और चौथी ऑप्शन है मिथाइल आयोडाइड तो बेटा हम जानते हैं कि जो आयोडीन है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है तो ये सारे अलकायल हेलाइड है अब जिसमें आयोडीन है वो सबसे जल्दी उस अल्काइल ग्रुप को लीव करेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा यानी डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा तो 51 का आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्सेप्ट पहली ऑप्शन है इनवर्टेज दूसरी है जयमेज तीसरी है डायस्टेज और चौथी है लाइपेज बटाइनवर्टेज जो है यह सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और जयमेज जो है ये फोर्टीन एंजाइम्स का एक मिक्सचर है जाइमेज कोई एंजाइम नहीं है यह काफी सारे एंजाइम का मिक्सचर है तो जो पूरा ग्लाइकोलोसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं इसी तरह डायस्टेज जो है हम उसमें स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए डायस्टेज यूज करते हैं लाइपेज जो है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में एंजाइम यूज नहीं किया जाता ये बेटा लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर लिपिड की जो हाइड्रोलोसीज है उसमें हम लाइपेज यूज करते हैं तो यहां पर उसने पूछा था कि फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम यूज नहीं होगा तो डेल्टा ऑप्शन यानी लाइपेज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री मार्क द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईवन एडी टू ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हेलाइट वन के बारे में पहली ऑप्शन है इट इज यूनिमोलेक्क्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंप्लीट इन टू स्टेप्स क्योंकि एक चीज पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है तो इसका ऑर्डर वन है और यूनिमोलेक्युलर है ठीक हो गया जी E2 एलिमिनेशन के बारे में लिखा हुआ इट इज बाय मोलेक्युलर एंड शो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग टेस प्लेस साइमल्टेनियसली इन द ट्रांजिशन स्टेट तो ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा ई वन जो है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा होता है ई टू जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो रही होती है तो पहली स्टेटमेंट ठीक है पहली ऑप्शन ठीक है जी बीटा ऑप्शन है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर एक्स ये आर एक्स जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है बिल्कुल ठीक है उधर E2 टू में लिखा हुआ रेट ऑफ इक्वल टू के और फिर Rx और उसके साथ लिखा हुआ बेस तो जो ई टू कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है है इसलिए वो second order kinetic reaction जो ने शो कर रहा होता तो चार्ली ऑप्शन पे आते हैं इट कंप्लीट इन वन स्टेप जब हम ऊपर पहली ऑप्शन में कह रहे हैं कि ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है तो फिर चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई और जो ई टू है

जो वो इवन मैकेनिज्म शो करेंगे फिर सेकेंडरी दूसरे नंबर पे प्राइमरी सबसे एंड पे आ जाएंगे बिल्कुल ठीक है E2 में E2 बेसिकली प्राइमरी के लिए तो प्राइमरी अल्काइट नंबर वन हो जाएगा फिर सेकेंडरी और एंड पे ट्री आ जाएगा तो डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है बीटा डेल्टा ठीक है चार्ली रॉन्ग है फिफ्टी का चार्ली आंसर है जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्साम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्च्यूशन रिएक्शन जो बेटा उसने पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल कौन सी है पहली ऑप्शन है मीथेन प्लस क्लोरीन सनलाइट मिथाइल क्लोराइड और एच तो बेटा आप जानते हैं कि अलकेन का जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है यानी फ्री रेडिकल्स बनते हैं पहले सनलाइट की वजह से और वो अटैक करते हैं जाके किसी भी अलकेन पे और उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद जो है ना वो हेलोजिन आ जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाता है तो पहली ऑप्शन जो है वो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन दूसरी में इथाइल क्लोराइड है और उसमें अल्कोहलिक जा रही है और आगे अल्कीन बन रही है केसीएल वाटर अल्कीन का बनना एलिमिनेशन रिएक्शन है तो इसको आप एलिमिनेशन कह दें या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस का नाम है कि हाइड्रोजन और हेलोजिन दोनों यहां से रिमूव हो रहे हैं चार्ली ऑप्शन है जी सी टू एच फोर प्लस सी एल टू और सी सी एल फोर की मौजूदगी में आगे सी टू एच फोर सी एल टू यह बेटा एडिशन रिएक्शन है अल्किन के जितने भी रिएक्शन है वो सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं अब इसका मतलब ये हुआ कि पहली ऑप्शन जो थी वो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन दूसरी ऑप्शन आ गई हमारे पास एलिमिनेशन तीसरी ऑप्शन बेटा आ गई फ्री इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो एडिशन और डेल्टा ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड में सायनाइड अटैक कर रहा है और मिथाइल साइनाइड प्लस क्लोराइड आ गया यानी सायनाइड ने आके क्लोरीन को रिप्लेस किया उसकी जगह पे आ गया है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है सब्सिट्यूट कर रहा है तो डेल्टा ऑप्शन एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन की तो फिफ्टी फोर का आंसर बना डेल्टा ऑप्शन फिफ्टी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय फिनोल कहते कौन सी प्रॉपर्टी फिनोल की नहीं है पहला है जी इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड बिल्कुल ठीक है जी ये बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और डिलीक्विसेंट होता है डिलीक्विसेंट बेटा ऐसे सॉलिड को कहते हैं जो हवा से नमी अब्सॉर्व करके अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ले यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए तो बीटा ऑप्शन इट इज डिलिक्विसेंट बिल्कुल ठीक है चार्ली ऑप्शन इट इज पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर फॉर्मिंग पिंक सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर ये बात भी बिल्कुल सही है जी जो ये वाटर में इतना ज्यादा सोलेबल नहीं है और पिंक कलर का सोल्यूशन बनाता है बिल्कुल ठीक है डेल्टा ऑप्शन इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर ये बड़ा गलत हो गया इट इज पॉइजनस इन नेचर फिनोल कार्बोलिक एसिड है और ये पॉइजनस होता है तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज बनती हैं तो 55 का डेल्टा आंसर क्वेश्चन नंबर 56 फॉलोइ इज अरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फिनोक्साइड आइन पहली ऑप्शन है जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन दूसरी है डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फिनोक्साइड आइन तीसरी है लोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फिनोक्साइड आइन डेल्टा ऑप्शन है चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इन फिनोक्साइड रिमेंस कॉन्स्टेंट उसने हमसे पूछी है बात कि कौन सी करेक्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आइन बेटा सेकंड ईयर में 11 चैप्टर में पेज नंबर 220 पे वो जो एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल लिखा हुआ है उसमें पांच रेजोनेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन वो फिनोल के हैं फिनोल हाइड्रोजन जब छोड़ देता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है फिनोक्साइड आयन के फाइव रेजोनेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो वो बेंजीन के नहीं हैं फिनोल के बन रहे हैं उसमें वो जो फिनोल का ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लॉन पेयर है वो बेंजीन की तरफ शिफ्ट होता है और फिर हाइड्रोजन को वहां से रिमूव होना पड़ता है तो हम कहते हैं ये हाइड्रोजन छोड़ है तो ये एक अच्छा एसिड बन जाता है इस वजह से उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है तो यहां पे उसने पूछा कि कौन सी बात फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल ठीक है तो पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बेंजीन का नहीं बल्कि फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए था तो यही बात बीटा ऑप्शन में लिखी हुई है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन फिनोक्साइड आइन तो बीटा ऑप्शन जो है वो ज्यादा ठीक तो नहीं है ऑक्सीजन तो के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टे नहीं करता वो बेनजीन की तरफ शिफ्ट होता है और बेनजीन के ऊपर सर्कुलेट करता है तो डेल्टा बात भी गलत हो जाती है तो फिफ्टी सिक्स का बीटा आंसर फिफ्टी सेवन मार्क द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट पहली ऑप्शन है सुक्रोज ऑन एंजाइमेटिक यील्ड्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जी बेटा ठीक है बेटा फिर चौथी ऑप्शन है माल्टोज ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिस यील्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ये भी ठीक है और डेल्टा ऑप्शन है लेकटोज ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलोसिस यील्ड ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज ये भी ठीक है तो 57 में मैंने पहली दो ऑप्शन को लिखा है क्योंकि बीटा ऑप्शन इनकोरेक्ट है तो हम उसके बारे में देखते हैं देखें जी ये बेटा हमारे पास सुक्रोज है सुक्रोज में जब आप वाटर ऐड करते हैं एंजाइम की मौजूदगी में तो वाटर ब्रेक होता है ये भी ब्रेक होता है दो चीजें बन गई एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में जो इन्वर्जन कर रहा है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिससे रिड्यूसिंग शुगर यानी ग्लूकोज बनता है तो इसलिए एंजाइम तो बीटा ऑप्शन इनकोरेक्ट है उसने लिखा है कि स्टार्च की अगर आप एंजाइमेटिक एंजाइम की मौजूदगी में हाइड्रोलिस करते हैं तो उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सुक्रोज बनता है जबकि सुक्रोज नहीं बनता बल्कि माल्टोज बनता है और माल्टोज में अगर आप माल्टेज एंजाइम डाल दें तो फिर ये दो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो इस हवाले से इस कॉन्सेप्ट बीटा ऑप्शन बेटा इनकोरेक्ट हो जाती है और जो चार्ली ऑप्शन है जो मैंने बता दिया

फिर सी एच है फिर सी एच टू फिर सी एच थ्री तो बेटा पांच कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में क्लोरीन की तरफ से हम नंबरिंग करेंगे कि जिधर से क्लोरीन को स्मॉलर नंबर मिले, तो ये टू पे क्लोरो आ जाएगा और टू पे मिथाइल भी आ जाएगा और थ्री पे मिथाइल है तो क्लोरो और मिथाइल ग्रुप आ गए तो जब दो डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू क्लोरो पहले आएगा और मिथाइल चूंकि एम से शुरू होता है तो अल्फाबेटिकली एम बाद में आता है सी के बाद तो उसको बाद में लिखा जाएगा तो इसका नाम बनता है टू पेंटेन तो पहली ऑप्शन है 4 -chloro -3 -4 -pentane गलत हो गया और बीटा ऑप्शन इसका आंसर मैच कर गया टू क्लोरोल पेंटेन यही बेटा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन विच ऑफ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरियल कोल बेटा प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल में जो डिफरेंस है वो हम कैसे किस टेस्ट की मदद से करते हैं पहली ऑप्शन है, है। एथेनॉल में या प्राइमरी और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनके बारे में बस टर्सरी अल्कोहल आइडोफॉम टेस्ट नहीं देते तो उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हेल्प ऑफ आइडोफॉम टेस्ट जो लुकास टेस्ट है ये बेटा तीनों में डिफ्रेंसिएट जो डिफरेंसिएशन करता है प्राइमरी सेकेंडरी और इसमें हम क्या करते हैं कि आप अल्कोहल से लेते हैं तीन टेस्ट ट्यूब करें आप टेस्ट्यूबिडर कर लें उन तीनों में पहले में प्राइमरी दूसरे में सेकेंडरी तीसरे में टर्स अल्कोहल रख लें तीनों का कोई कलर नहीं है हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा इन तीनों को देखने से कि किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है किस में सेकेंडरी है किस में किसमें है अब कंफर्मेशन करने के लिए तीनों में आप एचसीएल डालते हैं विद विधि जो ना प्रेजेंस ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजिंक क्लोराइड की मौजूदगी में एच डालते हैं जिंक क्लोराइड डालते हैं और फिर देखते हैं कि किस में ऑयली लेयर जल्दी बनती है जिसमें ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाए वो टर्शरी अल्कोहल होगा और जो बाकी दो बच जाएंगी वो उनको आप जो ना स्टे करेंगे रख देंगे थोड़ी टाइम गुजरने देंगे अगर पाँच से दस मिनट में किसी टेस्ट ट्यूब में ऑयली लेयर ले बन जाती है तो उसमें सेकेंडरी अल्कोहल मौजूद है और अगर पांच से दस मिनट के बाद भी किसी टेस्ट ट्यूब में ऑयली लेयर ले ले नहीं बनती तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल है उसमें टाइम हमें ज्यादा देना पड़ता है तकरीबन पच्चीस से तीस मिनट के बाद ऑयली लेयर बनती है लेकिन अगर इतना वेट नहीं कर सकते फिर तो ऑन हीटिंग अगर ऑयली लेयर बन जाती है तो वो प्राइमरी अल्कोहल को शो कर रही होती है तो लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टेचकोहल तीनों में डिफ्रेंशिएट करता है और फेलिंग सोलूशन टेस्ट जो है ये

रेफ्रिजरेंट ये जो फ्रिज फ्रिज और एसी की गैस होती है उसको रेफ्रिजरेंट्स बोलते हैं उसमें भी पहले क्लोरो कार्बन यूज होते थे तो ये दोनों ही उसके यूज है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आई यू पी एस सी नेम ऑफ द गिवन अल्काइल अलकाइड बेटा उसने फार्मूला दिया हुआ है हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो देखें जी ये है बेटा उस स्ट्रक्चर की एक्सपेंशन जो हमें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन में दिया हुआ था इसमें बेटा लॉन्गेस्ट चेन में यह आ गया जी चार कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ गए सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन भी है सेकंड कार्बन पे मिथाइल भी है तो टू ब्रोमो हो जाएगा टू मिथाइल और ब्यूटेन जो है ना वो लॉन्गेस्ट चेन की वजह से इसका नाम बन गया तो इसका यूपीएससी नेम क्या बना जी इसका यूपीएससी नेम बना टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन अब पहली ऑप्शन है थ्री ब्रोमो ये मैच नहीं करता दूसरी ऑप्शन भी थ्री ब्रोमो ये भी मैच नहीं करता तीसरी ऑप्शन जो है ना टू ब्रोमो है तो देखते हैं टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन यही बेटा इसका आंसर बना चार्ली ऑप्शन इसका आंसर है जी सिक्सटी वन का क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड या वन ब्रोबो प्रोपेन उसमें अल्कोहलिका तो ए फिर कहते हैं एच बी डाले तो बी और फिर कहते हैं तो सी द प्रोडक्ट सी इज तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या बनेगा ये है बेटा हमारे पास प्रोपाइल ब्रोमाइड क्या करता है अल्कोहलिकीहाइड्रोहैलोजीनेशन करता है ये है अल्फा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन से बेटा हेलोजन जाना होता है और अल्फा के साथ वाला कार्बन है बीटा बीटा से हाइड्रोजन ने रिमूव होना है हेलोजन और हाइड्रोजन के रिमूव होने से अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये प्रोपाइल ब्रोमाइड से प्रोपीन बन जाता है यानी ये हमारे पास पहला प्रोडक्ट आ गया ए फिर उसमें आप एचबिया डालते हैं मार्कोनिक रूल अप्लाई होता है नेगेटिव पार्ट गोस टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके पास आ गया तो ये बन गया टू ब्रोमो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन में अगर आप एक्वस के एच डालते हैं तो एसएन रिएक्शन होगा इस ब्रोमीन की जगह पे ये ओ OH एच जो कि न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस कर देगा तो एसन रिएक्शन के बाद ये बन गया टू प्रोपानोल तो पहला प्रोडक्ट प्रोपीन दूसरा प्रोडक्ट टू ब्रोमोप्रोपेन और तीसरा प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो टू प्रोपानोल बना बेटा तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बना टू प्रोपानोल पहली ऑप्शन है प्रोपीन गलत दूसरी ऑप्शन है टू प्रोपानोल इसका आंसर है बेटा और तीसरे ऑप्शन है वन प्रोपानोल और लास्ट ऑप्शन है प्रोपाइन वो मैच नहीं करते तो 62 का आंसर है जी बीटा ऑप्शन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री मार्क द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस एन वन एंड एस एन टू मैकेनिज्म कहते हैं एस एन वन एस एन टू के बारे में इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बताएं विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल अलकाइट तो उसने दो कॉलम दे दिए एस एन वन एस एन टू पहली ऑप्शन एस एन वन के लिए इट इज यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन एंड शो फर्स्ट ऑर्डर का एनेटिक्स बिल्कुल ठीक है जी एस एन टू इट इज बायोलेक्क्युलर रिएक्शन एंड शो सेकंड ऑर्डर का एनेटिक्स बिल्कुल ठीक है

एंड फिफ्टी परसेंट रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टेक प्लेस बिल्कुल ठीक है जी में फिफ्टी परसेंट इन्वर्जन फिफ्टी परसेंटेंशन होती है तो बेटा थ्री में सारी बातें ठीक है सिवाय बीटा के और यही इसका आंसर है जी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रियक्शन एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फिनोल गिव प्रसा फिनोल का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट होता है फिनोल को जब आप ब्रोमीन वाटर से मिलाते हैं तो टू फोर सिक्सोफिनोल बनता है जो इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट है तो पहली ऑप्शन में फिनोल प्लस एच एन ओ थ्री है जिसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बनता है इसके कोई वाइट प्रेस्पेट नहीं होते ये आंसर नहीं है बीटा ऑप्शन में फिनोल और एनय एच फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है एसिड को बेस से मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा तो सॉल्ट बन गया सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर तीसरी ऑप्शन है फिनोल प्लस थ्री बी आर टू यानी ब्रोमिन वाटर यह जो है ना वो टू फोर ब्रोमो फिनोल बनाता है जिसके होते हैं जिसके वाइट आंसर है जिसमें बेंजीन के पाई हो जाते हैं और साइक्लोहेक्नोल बन जाता है इसका भी कोई व्हाइट प्रेसप्रेड नहीं होते तो फिर आंसर बन गया इसका चार्ली ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ टेफलॉन प्लास्टिक ये बेटा टेफलॉन जो है वो क्या होता है पॉली टेट्राफ्लोरोन अब आगे उसने फॉर्मुला दिया हुआ है पहली ऑप्शन है यूज फॉर द कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायर क्वेश्चन ये है कि कौन सा यूज नहीं है तो जो इलेक्ट्रिकल वायर की कोटिंग है उसमें तो हम टेफलॉन को यूज करते हैं दूसरी है यूज फॉर क्रियन प्रूफ मशीनरी पार्ट बिल्कुल ठीक है मशीनरी पार्ट को जंग से बचाने के लिए क्रियन प्रूफ बनाने के लिए हम उसके ऊपर टेफलॉन की कोटिंग कर देते हैं तीसरी ऑप्शन है यूज फॉर नॉन स्टिक कुकिंग पैन जो बर्तन नॉन स्टिक होते हैं जिनमें खाना वगैरह लगता नहीं है उनमें कोटिंग कर दी जाती है टेफलॉन की तो यह बात भी सही हो गई और डेल्टा ऑप्शन लिखी हुई है यूज एज एडेसिव मटीरियल होता है चिपकने वाला मटीरियल जैसे स्मद बोन्ड है या एल्फी वगैरह है उसमें हम टेफलॉन को यूज नहीं करते तो टेफलॉन नॉन स्टिकी मटीरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है स्टिकी मटीरियल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसका यूज नहीं है यानी 65 डेल्टा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इनऑर्गेनिक रिएजेंट बी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड फिनोल और मैथानोल में हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो भी रिएजेंट यूज होता है वो बताना है पहली ऑप्शन है अल्कलाइन एक्वस आयोडीन ये बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो रिएजेंट्स होते हैं एनयूएच और आयोडीन तो ना मैथानोल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है ना फिनोल देता है तो ये तो उसका डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश जो है वो रिएजेंट नहीं होगा या टेस्ट नहीं होगा ऑप्शन है एक्वस एन एच थ्री सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका रिएक्शन तीसरी ऑप्शन है पोटाशियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट एश फोर जो बेटा पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये मैथानोल की ऑक्सीडेशन कर देगा और उसे मेथानल में चेंज कर देगा तो जब मैथानोल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो क्रोम जो पोटासियम डाइक्रोमेट है उसकी अपनी क्या होगी पोटासियम डाइक्रोमेट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी रिडक्शन हो रही होती है तो वो रिडक्शन में में क्रोमियम से चेंज होता है, तो जब क्रोमियम से में चेंज होता है, तो उसका जो कलर ऑरेंज होता है, वो ऑक्सीडेशन पोटासम डाइक्रोमेट नहीं कर सकता तो डिफरेंशिएशन टेस्ट हो गया और जो डेल्टा ऑप्शन है सोडियम

फॉलोइंग मैथड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर अल्कीन कहते हैं अल्कीन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता पहली ऑप्शन है डीहाइड्रोहैलोजुनेशनल डायलाइड अभी हम देखते हैं इसका रेक्शन दूसरी ऑप्शन है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बेटा अल्कोहल की जो सिंपली प्राइमरी अल्कोहल है जब आप उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं या इवन सेकेंडरी अल्कोहल भी हो जब आप उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमेशा अल्कीन बनती है तो ठीक है बीटा ऑप्शन में अल्किन बनती है चार्ली ऑप्शन है डी हाइड्रोहेलोजुनेशन ऑफ अल्काइल अल्काइड अभी हमने रिएक्शन देखा था जिसमें हमने यह पढ़ा था कि अगर अल्कोहली के आप डालते हैं तो अल्कोहली के क्या करता है अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन और अल्किन बना देता है तो चार्ली ऑप्शन भी अल्किन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है डेल्टा ऑप्शन है डी हेलोजुनेशन ऑफ विशनल डायलाइड दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजिन लगे हों तो उसमें आप जिंक डाल दें जिंक डी हेलोजुनेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है लोजिन को रिमूव करता है और अल्किन बना देता है तो डेल्टा ऑप्शन भी अल्कीन बनाने के लिए है तो एल्फा ऑप्शन को देखते हैं हम हाईडर, डीहाइड्रो डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डायहेलाइड देखिए जी ये बेटा विसिनल डाई हेलाइड है हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड में अगर तो जिंक डाला जाता तो जिंक ये क्लोरीन निकाल देता और अल्कीन बन जाता लेकिन अभी उसने अल्फा ऑप्शन में कहा है अल्कोहलिक क्यूएच अल्कोहलिक क्यूएच का काम क्या है उसका काम है कि अगर ये फर्ज करें अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से हेलोजन को निकालना और उसके साथ वाले हाइड्रोजन साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना तो यहां से हेलोजन यहां से हाइड्रोजन हम इसे थोड़ी देर के लिए बीटा समझ लेते हैं तो अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यानी दरमियान में कुछ इस तरह की सूरत बनेगी ये यहां पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होना फिर क्या होना है फिर दोबारा अल्कोहलिक ने आना है अब ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा से से और बीटा हाइड्रोजन एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा और अल्काइन बन जाएगा तो अल्काइन बना इसमें अल्किन नहीं बन रहा हम रिएक्शन को अल्किन पे स्टॉप नहीं कर सकते तो उसने पूछा था कि कौन से मेथड में अलकीन नहीं बनता तो इसका एल्फा आंसर है जिसमें लिखा हुआ डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ Dihylide, तो 67 का आंसर है जी बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट कंसिडर पहली है हमारे पास मिथाइल आयोडाइड विल रिएक्ट फास्टर देन द मिथाइल ब्रोमाइड इन एसेंट टू जी बेटा आप जानते हैं कि जो अल्काइल आयोडाइड है आयोडीन जो है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि कार्बन आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है सबसे कम बॉन्ड एनर्जी जो है वो कार्बन आयोडीन की है जल्दी बॉन्ड टूटेगा जल्दी रिएक्शन होगा तो मिथाइल आयोडाइड विल रिएक्ट फास्टर देन मिथाइल ब्रोमाइड बिल्कुल ठीक है दूसरी स्टेटमेंट है मिथाइल मिथाइल आयोडाइड विल रिएक्ट फास्टर देन फ्लोराइड इन टू भी ठीक हो गया तीसरी है मिथाइल ब्रोमाइड विल रिएक्ट फास्टर देन द मिथाइल क्लोराइड तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है अल्काइल आयोडाइड दूसरे नंबर पे आता है अल्काइल ब्रोमाइड तीसरे नंबर पे आता है अल्काइल क्लोराइड चौथे नंबर पे आता है अल्काइल फ्लोराइड ये उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पे रखा जाता है तो यहां पे उसने पहली स्टेटमेंट में कहा था मिथाइल मिथायल रिएक्टिव होगा दूसरे में भी यही कहा मिथाइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है चाहे वो ब्रोमाइड है क्लोराइड है या फ्लोराइड है पहली दो स्टेटमेंट ठीक हो गई तीसरी में लिख रहा है मिथाइल ब्रोमाइड विल रिएक्ट फास्टर देन द मिथाइल क्लोराइड बिल्कुल ठीक है चौथी स्टेटमेंट है इडक्ट फास्टर टू आगे SN2 भी लिख रहा है. जो होता है ये तो बहुत स्लो देंगे तो चौथी स्टेटमेंट भी ठीक हो गई कि जो मिथायल क्लोराइड है वो प्राइमरी में आता है और टर्चरी जो है वो टर्स एन तो शो करते हैं एस एन टू तो बहुत लेस जो है इसमें ज्यादा टाइमिंग वाला बहुत लेट रिएक्शन शो करते हैं तो ऑफ द अब स्टेटमेंट इज आर करेक्ट कहते हैं ये जो चार स्टेटमेंट दी गई है कौन सी ठीक है सारी ठीक है जी तो एल्फा लिखी हुई है स्टेटमेंट एल्फा ऑप्शन जो है वन ओनली दूसरी बीटा ऑप्शन है टू ओनली तीसरी जो चार्ली ऑप्शन है वो है सेकंड एंड थर्ड और डेल्टा ऑप्शन है वन टू थ्री एंड फोर और यही बेटा आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन इन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बायोमोलेक्र मैकेनिज्म रिएक्शन इन ऑर्डर टू गिव द्यूक्लियर फाइल एन एफ रूम टू अटैक दबे कार्बन एटम ऑफ अलकाइल चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ हाइब्रोडाइजेशन फ्रॉम तो बड़ा देखिए ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं पहले रिएक्शन को देखते हैं ये बड़ा रिएक्शन है न्यूक्लियर फाइल जब अटैक करता है कार्बन पे क्योंकि कार्बन पार्सल पॉजिटिव है और पहले से जो अलकाइड है जो हेलाइड है वो नेगेटिव चार्ज है यानी ये पहले वाला लिविंग जो ना वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है इसने लीव करना ये लिविंग ग्रुप है है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया अब कार्बन जो है वो क्लोरीन से बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है नए आने वाले न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में हो रही होती है ये इंटरमीडिएट स्टेट है इसमें कार्बन के जो ट्रू बॉन्ड है वो तीन रह गए तीन सिग्मा बॉन्ड और यहां पे कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड है वो चार हैं जब कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड होंगे एसपी थ्री हाइब्रोटाइजेशन जब तीन हो जाएंगे एसपी टू हाइब्रोटाइजेशन फिर क्या होगा क्लोरीन निकल जाएगा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इन हो जाएगी हंड्रेड परसेंट इनवर्जन ऑफ रिएक्शन और दोबारा से एसपी थ्री हो जाएगा लेकिन हम सिर्फ इतना जो है ना वो हिस्सा बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम एस पी थ्री टू एस पी टू तो यहां पे फिर जो स्टेटमेंट जो आंसर बना वो पहली ऑप्शन एसपी थ्री टू एसपी टू बिल्कुल ठीक है यही आंसर है दूसरी एसपी टू ये गलत तीसरी एसपी थ्री टू एस पी गलत और डेल्टा ऑप्शन एसपी टू टू एसपी थ्री यह भी गलत हो गया तो सिर्फ एल्फा आंसर है सिक्सटी नाइन का एस पी थ्री टू एस पी टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलकाइ हेल्थ इज अ पर्टिकुलरली सूटेबल टू प्रिपेयर बाय हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पहली ऑप्शन है अल्काइल फ्लोराइड दूसरी है अल्काइल क्लोराइड तीसरी अल्काइल ब्रोमाइड और डेल्टा ऑप्शन है अल्काइल आयोडाइड आर आई जिसे हम कहते हैं तो बेटा अल्काइल आयोडाइड डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होते पहले हमें कोई भी अल्काइल बनाना पड़ेगा यानी आयोडीन के अलावा और फिर उसको सोडियम आयोडाइड से मिलाना पड़ेगा देखिए जी यहां पे बेटा कोई भी आर एफ है आर सी एल है आर बी आर है ये सोडियम आयोडाइड से मिलाते बी आर क्लोरीन या फ्लोरीन ये सोडियम से मिल जाते हैं और आयोडीन उस हैलोजन की जगह पे आ जाता है तो अल्काइल आयोडाइड डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली प्रिपेयर होता है यानी पहले कोई और अल्काइल लाइट और फिर हम उसको सोडियम आयोडाइड से मिला के तो अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं तो इसका आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवनटी डेल्टा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द कार्बन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड अटैच टू थ्री एटम्स एज ए ग्रुप इज कॉल्ड पहली ऑप्शन है कार्बोनियम आइन बटे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बोनियम नहीं हो सकता आई यू एम जो है जैसे अमोनियम आइन है हाइड्रोनियम आइन है ऑग्जोनियम आइन है जैसे ब्रोमोनियम आइन है, 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 halogen, है, है क्लोरोनियम आइन है तो जिनके नाम के अंड में आई यूएम आता है ये सारे पॉजिटिव आइन होते हैं तो यहां पर वो कह रहे हैं कार्बन आइटम कैरिंग द नेगेटिव चार्ज तो तो नेगेटिव चार्ज की नहीं आ सकता तो फिर पहली ऑप्शन है कार्बोनियम आयन कार्बोनियम आएं का मतलब है कार्बन हो गया जी चार्ली ऑप्शन है ऑग्जोनियम आइन ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव आएगा तो ऑग्जोनियम होगा और लास्ट है हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव आता है वो हाइड्रोनियम आयन कहलाता है जी तो सेवेंटी वन का बीट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इथल एन एस्टर इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन विद। मैं वो खुद बता रहा है इथाइल एथानोएट, एथानोएट तो पहली ऑप्शन देखें आप सोडियम मैथानोएट एक कार्बन है सोडियम मेथानोएट। अगर आप इसको सोडियम मैथानोएट को ब्रोमो इथेन से मिला दें और वो जो ब्रोमोइथेन का ब्रोमीन है वो सोडियम से मिलके सोडियम ब्रोमाइड बना के लैदा हो जाए तो पहले वाली ऑप्शन से जो एस्टर बनेगा उसका नाम होगा इथाइल यानी आंसर नहीं है। बीटा ऑप्शन देखें जी यह है आ, सोडियम एथानोएट, सोडियम एथानोएट को जब आप जो ना ब्रोमोइथेन से मिलाएंगे तो इसमें इथाइल एथनोएट जो ना बनेगा तो देखें इस रिएक्शन को हम देखते हैं यह है बेटा सोडियम एथानोएट जब आप इसको ब्रोमोइथेन से मिलाते हैं तो ये सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट बन के लैदा हो गया ये बन गया और इथाइल सोडियम की जगह पे आ गया तो इथाइल एथानोएट और यही इसका आंसर हो गया जी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं चार्ली ऑप्शन है सोडियम प्रोपानोएट सोडियम प्रोपानोएट में सोडियम की जगह पे इथाइल ग्रुप आना है यानी ये जितनी ऑप्शन हैं इनमें सोडियम की जगह पर जो है वो आपने जो ना इथाइल ग्रुप लगाना है तो उस इथाइल ग्रुप के लगाने से आप वो एस्टर बनाते चले जाएं तो चार्ली ऑप्शन में क्या बनेगा इथाइल प्रोपानोएट और जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें जो नाम है अभी सोडियम ब्यूटानोएट तो जब उसकी जगह इथाइल आ जाएगा तो इथाइल ब्यूटानोएट बन जाएगा तो इसका आंसर बन गया सेवेंटी टू का क्योंकि उसने हमें खुद बताया कि इथाइल बनना चाहिए वो बेटा बीटा ऑप्शन से बनता है तो सेवेंटी टू का बीटा आंसर है क्वेश्चन नंबर प्रोपानोइक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमोइेन विद डैश फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलोसिज एच एस टू ओ प्लस एच सी एल जी बेटा जी, जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री प्रोपानोइक एसिड इज प्रिपेयर ऑफ ब्रोमोइथेन विद डैश फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलोसिज वाटर प्लस एच सी एल प्रोपानोइक एसिड बनाना है ब्रोमोइथेन से तो ब्रोमोइथेन से प्रोपानोइक एसिड कैसे बनेगा देखते हैं जी रिएक्शन को देखें बेटा ये है ब्रोमोइथेन ब्रोमोइथेन में दो कार्बन है अब इससे तीन कार्बन प्रोपानोइक एसिड में तीन कार्बन है तो ये तब ही पॉसिबल है जब यहां पे अल्काइल हेलाइड की जगह पे भी कार्बन आ जाए वो जो हेलाइड है हेलोजिन है ब्रोमीन है उसकी जगह कार्बन आए तो ब्रोमीन की जगह पे कार्बन तब आएगा जब सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करेंगे सोडियम ब्रोमाइड बन के लहदा हो जाएगा और सीएन इसकी जगह पे आ गया तो इथाइल साइनाइड बन गया ये साइनाइड जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलोसिस करते हैं तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक टोटल तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक मीन प्रोपानोइक एसिड प्लस वो जो नाइट्रोजन है वो पहले अमोनिया बनता है बाद में एचसीएल से मिलकर अमोनियम क्लोराइड बन जाता है तो इसका आंसर जो है हमारे पास उसने हमसे बेसिकली स्टार्टिंग रिएक्टेंट पूछा था कि जो हमारे पास ब्रोमोइथेन से रिएक्शन करके प्रोपानोइक एसिड बनाए तो पहली ऑप्शन है सोडियम साइनाइड यही इसका आंसर होगा अगर आप मिथाइल साइनाइड ले लेते तो मिथाइल साइनाइड और ब्रोमोइथेन में रिएक्शन होने के बाद वो जो हमारे पास साइनाइड है है वो उससे एसिड नहीं बन सकता था इसी तरह जो चार्ली ऑप्शन सोडियम मेथोक्साइड इसने ब्रोमोइथेन के साथ जो है ना वो रिएक्शन नहीं करना था अगर रिएक्शन हो जाता तो ईथर बनने के चांसेस जो है ना वो थे यानी उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा और डेल्टा ऑप्शन में पहले ही हमारे पास सॉल्ट है सोल्ट जो है वो जब ब्रोमोइथेन से मिलेगा तो उससे एस्टर बनेगा और वो एस्टर जो है वो इथाइल बनेगा जो हम पहले वाले सवाल में भी डिस्कस कर चुके हैं तो 73 का अल्फा ऑप्शन यानी सोडियम क्वेश्चन नंबर 74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड जी बेटा बॉन्ड एनर्जी कार्बन हेलोजन स्ट्रेंथ मीन बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो ही सबसे ज्यादा जो है ना वो लीस्ट रिएक्टिव होगा लीस्ट रिएक्टिव में जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा तो स्टेबल क्यों है क्योंकि उसकी जो है ना बॉन्ड इतना ज्यादा जो ना स्टेबल हो चुका है कि वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट ही नहीं रहा वो वजह क्या है उसमें आयनिक करेक्टर बहुत ज्यादा आ गया है कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोन के डिफरेंस की वजह से उनमें आयनिक ज्यादा डेवलप हो गया जिसकी वजह से वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो गया अब उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो कार्बन फ्लोरिन का बॉन्ड 467 किलो जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे तोड़ने के लिए यानी जो भी अल्काइल फ्लोराइड होगा वो सबसे स्टेबल हो जाएगा मोर स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव उसने लीस्ट एक्टिव पूछा था एल्फाइस इसका आंसर होगा जो आर है उसमें कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 346 फोर्टी सिक्स किलोजॉल पर मोल होती है और जो कार्बन ब्रोमीन की है वो तकरीबन तो टू नाइनटी के करीब होती है और कार्बन आयोडीन की टू ट्वेंटी है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बनी कार्बन फ्लोरीन की और यही बेटा आंसर हुआ एल्फ ऑप्शन सेवेंटी फाइव आर थ्री सी एक्स जिस कार्बन के साथ हेलोजिन लगा उसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप यानी यह है

ये चार स्टेटमेंट बेटा उसने दी हैं। ये पहला है जी वन क्लोरो ब्यूटेन दूसरा है है तो पहले पे ही क्लोरीन वन टू और थ्री लेकिन टू पे मिथाइल आ गया टू मिथाइल वन क्लोरो प्रोपेन इसको देखें टू क्लोरो ब्यूटेन और ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई इस लॉन्गेस्ट चेन में टू पे मिथाइल है और टू पे ही क्लोरीन है तो टू क्लोरो टू मिथाइल टू क्लोरो ये क्लोरो पहले आना है इधर टू मिथाइल प्रोपेन लेकिन मिस्टेक हुई तो अब हमने इनके आइसोमर्स के बारे में डिस्कशन करनी है जी बेटा देखें ब्यूटेन और ब्यूटेन इन दोनों में ब्यूटेन है तो ये दोनों ए और सी इनमें कार्बन चेन लेंथ सेम है लेकिन वो जो क्लोरीन है उसकी पोजीशन डिफरेंट है तो जब क्लोरीन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी तो ये दोनों आपस में ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे पोजिशनल आइसोमर एक बात हो गई अब देखें जी ये टू मिथाइल वन क्लोरोप्रोपेन है और ये टू मिथाइल टू क्लोरोप्रोपेन है मैं अभी इसको यही कंसिडर कर रहा हूं ये टू मिथाइल ये भी टू मिथाइल ये भी प्रोपेन ये भी प्रोपेन अब ये वन क्लोरो है और ये टू क्लोरो है तो इसका मतलब क्या हुआ के मतलब अगर इनको पहले भी लिखा जाता है वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन लिखते टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन लिखते तो डिफरेंस क्या है क्लोरीन की पोजीशन में यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर बन गए दो बातें क्लियर हो गई अब ये दोनों आपस में क्या है इसमें ब्यूटेन है इसमें प्रोपेन है तो ब्यूटेन और प्रोपेन अगर आप कार्बन गिने तो इसमें भी चार है इसमें भी चार कार्बन है दोनों में कार्बन चार है लेकिन चेन का फर्क है तो जब चेन का फर्क आए तो फिर ये क्या होंगे ये वन क्लोरो ये भी वन क्लोरो तो पोजीशन क्लोरीन की सेम है लेकिन चेन का फर्क तो ये चेन आइसोमर्स कहलाते हैं इसी तरह यहां पे देखें ये टू क्लोरोब्यूटेन है ये टू क्लोरोप्रोपेन है जो है उसकी पोजीशन सेम है लेकिन चेन का फर्क है तो ये दोनों जो हैं ये वाले दोनों ये दोनों क्या कहलाएंगे इनको हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं तो अब ये मैंने मैक्सिमम बातें लिख ली हैं अब हम इसकी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं पहली ऑप्शन है जी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ये सारे हैं उनकी टाइप्स हैं तो कहता है कौन सी बात इनकोरेक्ट है पहली ऑप्शन है ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स तो बेटा मैं आपको बता चुका हूं देखें ए और बी ये दोनों ए और बी ये मैंने लिखा हुआ ये है ये चेन आइसोमर्स हैं बिल्कुल ठीक हो गया बीटा ऑप्शन है एंड सी आर पोजिशनल आइसोमर ए एंड सी ये ए है और ये सी है ये मैंने लिख दिया था पोजिशनल आइसोमर है है और ये सी है बी और सी को देखें बेटा बी और सी आपस में क्या है ये प्रोपेन था और ये ब्यूटेन है प्रोपेन और ब्यूटेन की वजह से ये चेन आइसोमर तो हो गए कि कार्बन तो उसमें भी चार हैं इसमें भी चार है यानी चेन आइसोमर तो हो गए और दूसरे नंबर पे देखें कि ये वन क्लोरो है ये टू क्लोरो है तो वन क्लोरो टू क्लोरो पोजीशन भी हो गए तो चेन भी है और पोजीशन भी है तो चार्ली ऑप्शन में लिखा था कि बी एंड सी आर चेन आइसोमर एज़ वेल एज़ पोजीशन बिल्कुल ठीक हो गया डेल्टा ऑप्शन है ए एंड डी आर ओनली पोजीशनल आइसोमर अब देखें जी ए और डी अब ए और डी में ब्यूटेन है और ये वाला जो है वो प्रोपेन है तो ए और डी आपस में चेन आइसोमर होंगे और यह वन क्लोरो है और ये एंड वाला टू क्लोरो बनता है तो ये चेन भी है और पोजीशन भी है तो उसने यहां पे लिखा था डेल्टा ऑप्शन में कि ए एंड डी आर ओनली पोजिशनल आइसोमर यहां पे क्या आना चाहिए था ए एंड डी आर पोजिशनल आइसोमर एज वेल एज चेन आइसोमर तो सेवेंटी सिक्स का डेल्टा ऑप्शन जो है वो इनकोरेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर द द कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज बेटा उसने अल्कोहल से दी है अल्कोहल में ओ OH एच के जाने के बाद कार्बोनियम आयन बनेगा तो मैंने उन सब में जितनी भी ऑप्शन हैं उन सब के मैंने कार्बो कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन बनाए हुए तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल तो जब ओ OH एच चला जाएगा प्राइमरी कार्बो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मैंने ये लिखा हुआ है ये देखें जी ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन दूसरी ऑप्शन है उसमें टू कार्बन पर ओ OH है यानी ये टू ब्यूटानोल है तो टू ब्यूटानोल में जब ओ OH चला जाएगा तो सेकेंड कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो देखें ये लिखा हुआ है ये सीए थ्री सीएच पॉजिटिव सीएच टू सी टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आ गया जो बेटा थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो उसने जो अल्फा कार्बन है जिसके साथ ओ OH लगा है उसके साथ एक सी एच है और वो सी एच आगे दो मिथाइल से जुड़ा हुआ है तो जब ओ OH एच चला जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लेकिन वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा वो मैंने कहा लिखा है ये लिखा हुआ है। ये सी एच टू जिसके साथ ओ OH एच था वो ओ OH एच चला गया पॉजिटिव आ गया फिर आगे सी एच दो मिथाइल से जुड़ा हुआ है ये भी प्राइमरी है इन दोनों की रिएक्टिविटी बराबर है अब आखिरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बेटा जिस कार्बन के साथ ओएच है वो तीन मिथाइल से जुड़ा हुआ है ओएच चला गया कार्बन के साथ तीन मिथाइल रहेगी पॉजिटिव चार्ज आ गया ये है बेटा हमारे पास ये तीन मिथाइल और यह कार्बोकेटाइन तो बेटा हम जानते हैं हम ये पढ़ के आते हैं कि जो टर् कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी तो ऑर्डर बना कि ये सबसे स्टेबल हो गया फिर सेकेंडरी और ये दोनों प्राइमरी थे उन दोनों को मैंने इक्वल लिख लिया है तो ये उनका ऑर्डर बन गया उसने हमसे अभी पूछा था कि सबसे स्टेबल कौन सा है तो डेल्टा ऑप्शन जहां पर टी कार्बो का डाइन बन रहा है जी बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी बेटा क्वेश्चन नंबर है सेवेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म ऑन वार्मिंग विद एन्यच एंड आयोडीन

तो अल्कोहल में एल्फा कार्बन के साथ एल्फा वो है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है एल्फा के साथ सी एच थ्री होना चाहिए एल्फा के साथ डायरेक्टली जिस अल्कोहल में ऐसा होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगी ये देखें ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये एल्फा है उसके साथ डायरेक्ट सी एच थ्री है दो दो सी एच कम से कम एक रिक्वायर्ड है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा एक ये अल्कोहल के बारे में तो फिर इसमें

जितने भी टू किटो हैं टू प्रोपानोन टू ब्यूटानोन टू पेंटानोन टू हेन सब में कार्बोन के साथ सी एच थ्री जुड़ा होगा लेकिन एल्डिहाइड दुनिया का एल्डिहाइड जो हाइड जोडोफॉम टेस्ट देता है वो है यानी एथनल है अब इन सब में एक चीज जो ना वो कॉमन है वो क्या है देखें सी एच थ्री सीओ जिसमें यह आ जाएगा वो आइडोफॉम टेस्ट देगा देखें सी एच थ्री सी ओ 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 तो ये चीज जिसमें आ जाएगी वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और जिसमें ऐसा नहीं होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा अब देखें यहां पे सी एच थ्री सी ओ नहीं बन रहा ये एन प्रोपाइल है, वन प्रोपानोल है या एल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली सी एच थ्री नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता तो 78 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बन गया एन प्रोपाइल अल्कोहल यानी डेल्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79। इथाइल मिथाइल कीटोन ये इथाइल मिथाइल कीटोन का बनता है कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है तो पहली ऑप्शन है टू प्रोपानोल प्रोपानोल टू प्रोपानोल में सेकेंड कार्बन पे ओ OH है उसके साथ दो मिथाइल जुड़े होंगे तो एस एसीटोन बन जाएगा या डायमि कीटोन बन जाएगा दूसरी ब्यूटानोल टू ब्यूटानोल या है इससे बेटा इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा तो मैंने यहां पे अल्फा बीटा और डेल्टा इनके हवाले से कीटोन बनाए हुए हैं बोर्ड पे चार्ली ऑप्शन वन ब्यूटानोल है वन ब्यूटानोल प्राइमरी अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है कीटोन बनता ही नहीं है यानी चार्ली ऑप्शन वैसे ही कैटेगरी से बाहर हो जाएगी तो बाकी तीन ऑप्शन रह गए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नाइन में हम उनको देखते हैं जी ये बेटा हमारे पास एन पर जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है प्रोपानोल है देखें जरा यह है वो कार्बन जो एल्फा कार्बन है इसके साथ एच भी है ओ एच भी है जब ऑक्सीडेशन होती है तो एल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो चला जाता है और ओ एच भी चला जाता है तो इनके जाने से कीटोन बन जाता है और वो कीटोन मैं यहां पे ये वाटर मिटा देता हूं और कीटोन में कन्वर्ट कर देता उसे तो ये इस तरह की सूरत हाल बन गई यानी डायमि कीटोन। इसमें देखें जी, ये ब्यूटानॉल है इसमें भी एल्फा कार्बन के साथ एच और उसी के साथ ओएच OH है ये दोनों वाटर बन के लैदा हो गए और इनके वाटर बन के लैदा होने के बाद जो चीज बनी वो क्या बनी जी ये मिथाइल और ये इथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन तो टू ब्यूटानोल से इथाइल मिथाइल कीटोन या टू ब्यूटान बनता है यही आंसर है तो टू, टू अल्फा कार्बन है जिसके साथ ओएच जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी इसे कोई कीटोन नहीं बनना तो फिर हमारे पास इन दोनों में कीटोन बन रहा था और ये हमारा आंसर आ गया तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में जो आंसर है वो टू ब्यूटानोल है जिससे इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा क्वेश्चन नंबर मिथायल कि बॉन्ड अंडरगोडिस ड्यूरिंग इट्स एस्टेरिफिकेशन विद एसिडिक एसिड इन द प्रेन्स ऑफ कंसनट्रेटेड एस टू एस ओफोर एस जी बेटा आप जानते हैं कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो वो जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उसमें क्या होता है देखें जी कार्बोक्सिलिक एसिड है यह अल्कोहल है अल्कोहल का हमेशा एच जाता है कार्बोक्सलिका ओ एच जाता है यह वाटर एसिड एब्सॉर्व कर लेता है और जो बाकी है यह वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ के एस्टर बना लेता है इथाइल एथेनोएट तो इथाइल एथेनोएट बन गया उसने हमसे पूछा था कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है तो क्वेश्चन मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं कि इन एथेनॉल एथेनॉल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो पहली ऑप्शन है कार्बन टू तो कार्बन गलत दूसरी ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीजन तो गलत तीसरी ऑक्सीजन टू तो हाइड्रोजन यही बेटा इसका आंसर है और डेल्टा ऑप्शन है कार्बन टू तो हाइड्रोजन ये भी गलत गिपेयर तो बेटा देखें अल्फा ऑप्शन में एड होना है सिंपली पहले कार्बन के पास सीएच टू के पास हाइड्रोजन आएगा वो सी एच थ्री हो जाएगा दूसरे कार्बन के पास क्लोरीन आ जाएगा इथाइल क्लोराइड बन जाएगा यानी क्लोरोन बन गया बीटा ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल प्लस इसमें बेटा तीन प्रोडक्ट बनते हैं पहला इथाइल क्लोराइड है दूसरा एच सी एल है और तीसरे नंबर पर पीओ सी एल थ्री बनता है फॉस्फोनाइल क्लोराइड तो यहां भी इथाइल क्लोराइड बन गया चार्ली ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल एच सी एल ये जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है जिसे लुकास टेस्ट भी कहते हैं तो उसमें ओ OH एच की जगह पे CL आ जाता है इथाइल क्लोराइड बन जाता है प्लस वाटर बनता है तो चार्ली ऑप्शन में भी इथाइल क्लोराइड बन गया डेल्टा ऑप्शन में इथाइल इथाइल अल्कोहल अल्कोहल प्लस क्लोरीन लिखा हुआ अल्कोहल जो है है जो वो क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता यानी इसमें हमारे पास इथाइल क्लोराइड नहीं बनेगा तो एटी का डेल्टा ऑप्शन एटी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पुअर लिविंग ग्रुप एक्सेप्ट कहता है बाकी सारे पुअर लिविंग ग्रुप है सिवाय एक के पहली ऑप्शन है आयोडाइड ये क्या है ये strong nucleophile और गुड लिविंग ग्रुप है तो यही बेटा इसका आंसर है उसने पूछा था poor group कौन सा नहीं है? है जो बीटा ऑप्शन जिसको कहते हैं, NH2 नेगेटिव, ये हमारे पास अमाइन आइन हो जाता है और वह OH चाहे हाइड्रोसल आइन तो ये सारे पुअर लिविंग ग्रुप है जो आयोडाइड है ये गुड लिविंग ग्रुप है तो 82 का अल्फा आंसर 83। थ्री फिनोल डज नॉट राइट विद एन एच सीओ थ्री अनलाइक कार्बोजलिक एसिड बिकॉज जी बेटा वो कहता है फिनोल जो है वो एन एच सीओ थ्री से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि पहली ऑप्शन है फिनोल इज स्ट्रॉगर एसिड कार्बोजलिक एसिड बेटा कार्बोजलिक एसिड ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं फिनोल उनसे वीकर एसिड होता है तो पहली बात गलत हो गई दूसरा फिनोल इज स्ट्रॉगर एसिड देन कार्बोनिक एसिड फिनोल कार्बोनिक एसिड से भी वीक एसिड होता है

इनकोरेक्ट स्टेटमेंट फॉर है ये बेटा आप उसमें कमर्शियलोज में पढ़ के आते हैं सी एफ थ्री सी एच के साथ क्लोरिन भी और ब्रोमिन भी है तो पहली ऑप्शन है इट इज एन एनेटिक्स ये बेटा बेहोश करने के लिए अनकॉन्शियस करने के लिए एनएसिया के तौर पर से यूज किया जाता है पहली बात सही है इट्स आई यू पी एस नेम इजू ब्रोमो टू क्लोरोन हम इसके भी आई यूपीएससी नेम को देखते हैं स्टडी करते हैं चार्ली ऑप्शन है इट्स एनेस्थेटिक एक्शन इज ड्यू टू क्लोरीन ग्रुप इसका एनेस्थेटिक एक्शन क्लोरीन ग्रुप की वजह से होता है बिल्कुल ठीक है और डेल्टा ऑप्शन है इट इज नॉन फ्लेमेबल ड्यू टू द ब्रोमीन ग्रुप ये गलत हो गया जी ब्रोमीन इसके मोलर मैस को ज्यादा करता है जो नॉन फ्लेमेबल है वो फ्लोरीन की वजह से होता है तो डेल्टा आंसर इसका इनकोरेक्ट है बाकी सारी बातें ठीक है आई यूपीएससी नेम को बड़ा हम देखते हैं देखें जी सी एफ थ्री सी एच सी एल और बी आर बेटा जब एक से ज्यादा हेलोजिन आ जाए तो जो एल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसका नंबर स्मॉलर होगा फ्लोरीन एफ से शुरू होता है क्लोरीन और ब्रोमीन सी और बी से शुरू हो रहे हैं तो एल्फाबेटिकली बाद में जो चीज आ रही है वो एफ है यानी इसका नंबर वन हो जाएगा और ये नंबर टू कार्बन हो जाएगा अब वन कार्बन पे तीन फ्लोरीन है वन 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 ट्राई फ्लोराइड कहा जाएगा इसे और ये क्लोरो ब्रोमो आ गया तो जब हमने इसका नाम लिखना है तो फिर अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो बन जाएगा टू ब्रोमो टू क्लोरो वन 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 ट्राई इथेन। ये बेटा इसका आई यूपीएससी नेम बन जाएगा और यही उसने बीटा ऑप्शन में दिया हुआ था यानी बाकी सारी ऑप्शन ठीक हैं डेल्टा ऑप्शन जो है वो गलत है वहां पे फ्लोरीन आना चाहिए ब्रोमीन की वजह से उसका जो वो इन उसमें लिखा हुआ उसने कि ये नॉन फ्लेमेबल है ये ब्रोमीन की वजह से नहीं होता बल्कि फ्लोरीन की वजह से होता है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद टू गिव बी द कंपाउंड बी विद सोडियम मेटल गिव्स एन ब्यूटेन ए एंड बी आर तो बड़ा उसने रिएक्टेंट्स पूछ ली हैं कि एंड पे ब्यूटेन बनना चाहिए कि पहला रिएक्टेंट है वो पी सी एल फाइव से मिले और फिर जो नई चीज बने वो सोडियम मेटल से मिलकर ब्यूटेन बनाए तो सोडियम मेटल के साथ जो भी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा वो ब्यूटेन तब बना सकेगा जब उसमें दो कार्बन होंगे ये वुड्स रिएक्शन है जो सोडियम मेटल से रिएक्शन करके जिसमें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर जो है वो अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्शन करके तो जुड़ जाते हैं और कार्बन चेन बढ़ाते हैं तो बेसिकली हमने इथाइल क्लोराइड बनाना है यानी वो जो भी रिएक्टेंट है वो पीसीएल फाइव से मिलके यहां जो चीज बन रही है दैट शुड बी इथाइल क्लोराइड ताकि दो इथाइल क्लोराइड आपस में मिले सोडियम की मौजूदगी में ये क्लोरीन और ये सोडियम और ये दूसरा सोडियम जो है ये एक सोडियम इससे मिल गया एक सोडियम इस क्लोरीन से मिल जाएगा तो टू एन एस सी एल बन जाएगा ब्यूटेन बन गया तो इथाइल क्लोराइड पीसीएल फाइव के, के साथ कौन सी चीज रिएक्शन करेगी इथाइल क्लोराइड बन जाए तो इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन जब आप पीसीएल से करते हैं तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इधर से क्लोरीन इसके साथ आ जाता है इथाइल क्लोराइड प्लस एक एच बन जाता है और एक पीओसीएल बन जाता है तो हमें इससे घट जाए कि इथाइल क्लोराइड जब सोडियम के साथ मिला तो उसने जो ना वोड रिएक्शन करते हुए सिमेट्रिकल अलकेन बना दिया जी बेटा तो 85 का आंसर जो है वो हमारे पास बना के पहले नंबर पे इथाइल अल्कोहल होगा जो पीसीएल फाइव से रिएक्शन करेगा बाद में इथाइल क्लोराइड तो पहली ऑप्शन है इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम जो एथोक्साइड ये तो आंसर नहीं बनता पहले नंबर पे इथाइल अल्कोहल होना चाहिए फिर इथाइल क्लोराइड तो ये बीटा ऑप्शन यहां मैच करती है चार्ली ऑप्शन में पहले नंबर पर इथाइल क्लोराइड लिख दिया वो भी गलत और डेल्टा ऑप्शन में पहले नंबर पर ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ है वो भी गलत यानी एटी का बीटा आंसर होगा तो ये था जी बेटा आज का टेस्ट उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज